भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, गुलाम मानसिकता, अंडरलाइन बोल्ड कर लीजिए, आइटैलिक्स मत करिए, बोल्ड करिए। आज गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटा दिया गया और वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है सीआर पाटिल, वो मोदी जी के करीब बताए जा रहे हैं। विजय रूपाणी की गलती बस इतनी है कि वे गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीब हैं, तो उनकी बलि तो हो गई। लेकिन इन दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी को या अमित शाह को। अब उत्तराखंड में आपने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, फिर तीरथ सिंह रावत को हटाया और अब आए हैं पुष्कर सिंह धामी, यानी कि तीन मुख्यमंत्री 3 महीने के अंदर। उधर कर्नाटका में येदियुरप्पा को हटाया क्योंकि उनके बेटे और उनसे सारी पार्टी परेशान थी, और इधर मुख्यमंत्री हटा दिया। और कोशिश इनकी जारी थी कि आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दे, मगर वो माने नहीं, ये दिक्कत है। मगर ये बताता है, ये गुलाम मानसिकता के लोग जो इनको कहा कहा जाता है ये वो कर देते हैं, सत्ता इनसे संभाली नहीं जाती। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूमता रहता है कि कैसे करके हम सत्ता में आए। क्यों? क्योंकि मोदी जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठना है। शर्म भी नहीं आती कि लोगों के लिए कार्य करने के लिए आपको चुना गया। कोरोना काल में इतने लोगों की मृत्यु हो गई, बेरोजगारी दर इतनी ऊंची चली गई, जीडीपी इतनी नीचे गिर गई और महंगाई के आपने हाल हमारे बुरे कर दिए, मगर मोदी जी को क्या? मोदी जी को कुर्सी से है प्यार इतना कि आप जनता जो है भाड़ में जाए तो भी उन्हें फिक्र नहीं कोई। आज जो कुछ हो रहा है उससे साफ है, मोदी जी इनको बदल लेने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप नहीं बदले जाएंगे तब तक देश में व्यवस्था ठीक नहीं होगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, वही कार्य चलेगा। भाजपा के जो गुलाम है वो कहेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने अच्छा काम किया, पता नहीं दोनों ने अच्छा काम किया। तो समझ में इन्हें खुद भी नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है उनके अंदर सोचने की शक्ति जो है बस उतनी तक है, जो मोदी जी कहेंगे वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गुलाम है। दो व्यक्तियों की ये पार्टी है, केवल दो व्यक्ति, एक मोदी दूसरा अमित शाह, और ये दोनों कठपुतली अडानी और अंबानी के।